किशन, आज पापा आए थे, उन्होंने बिमला को समझाया और हमें वादा किया है कि आइंदा से बिमला किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। उन्हीं के कहने पर तो भैया ने और माँ ने मेरी शादी बिमला से तय की थी। हाँ, अब उन्होंने वादा किया है तो वादा झूठा तो नहीं हो सकता। तू मुझे ताने दे रहा है? देख किशन, ताने मारकर बात मत किया कर। भैया, मुझे तो कुछ भी कहने लायक नहीं छोड़ा आप लोगों ने। आपकी झूठी जिद और मां के गलत फैसले ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। और जिंदगी को स्वर्ग बनते हुए देर नहीं लगती है। स्वर्ग? भाभी, मेरी प्यारी धर्मपत्नी बिमला के साथ कम से कम स्वर्ग के सपने देखना बेकार है। सपने साकार भी हो सकते हैं किशन, अगर बिमला सचमुच बदल जाए तो। अगर बदल जाए तो? लेकिन भैया, ये कैसे हो सकता है? प्यार से। कहते हैं ना कि प्यार से तो खूंखार जानवर को भी बस में किया जा सकता है, और बिमला तो इंसान है। पत्नी धर्म निभा रही हूँ, आज से आपके चरणों में मेरी जगह बनी रहे, बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं। पत्नी की जगह चरणों में नहीं, पति के दिल में होती है। तो आज से मेरी जगह आपके दिल में, वायदा? अरे पत्नी, इस दिल ने कभी किसी को बसाया नहीं, तुम्हारे आते ही अरमानों ने आंखें मीच ली। पति पर शक करती हो? एक बात पूछूं आपसे? दो पूछो। आप हमेशा मुझसे इतना खिंचे खिंचे क्यों रहते हैं? बेहतर होगा तुम इस सवाल का जवाब अपने दिल से पूछो। बिमला, अगर तुमने मुझे मजबूर नहीं किया होता तो मैं घर छोड़कर कभी नहीं जाता। आप तो शादी की पहली रात मुझे अकेला छोड़कर चले गए। जानता हूं, लेकिन अब ये दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। वो कैसे? हेलो हेलो भूपी, किशन यार, अरे तेरा लंगोड़िया यार। ओ यार किशन, तेरी तो बड़ी लंबी उम्र है, हम तुझे ही याद कर रहे हैं। अच्छा, क्यों, कोई खास बात? तेरी भाभी ने तुझे और विमला को रात को खाने पर दावत में बुलाया, आखिर तेरी शादी हुई है ना। अरे भाई, खा लेंगे, फिर कभी खा लेंगे। तू कौन सा शहर छोड़कर भागा जा रहा है? ओ, शहर छोड़कर भागे हमारे दुश्मन, हम भला शहर छोड़कर क्यों भागे? तो तू रात को खाने पर आ रहा है ना? नहीं नहीं पहले तुम लोग यहाँ मेरे घर आ जाओ डिनर के लिए, हम किसी और दिन आ जाएंगे। बिमला के हाथ का खाना खा लो। ओके, जैसी आपकी मर्जी। ओके बाय। बिमला, मैंने भूपी और प्रीत को रात डिनर पर यहाँ बुला लिया है। उन्हें खाने पे बुलाया है? शादी हमारी हुई है या उनकी? क्या फर्क पड़ता है, हम किसी और दिन उनके घर चले जाएंगे। ओह, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना वो हमें बुलाएंगे, ना हम कभी वहां जा पाएंगे। अरे बिमला, इनफैक्ट वही जोर दे रहा था कि हम उसके घर जाएं, लेकिन मैंने जिद की कि हम पहले उसे अपने घर डिनर पे बुला लेते हैं। ओ, तो तुमसे नई नवेली दुल्हन के चंद दिनों का आराम नहीं देखा गया ना? फिजूल बहस मत शुरू करो, जाओ जाकर खाने की तैयारी करो। और हाँ, लेट मी टेल यू, भूपी खाने के मामले में बहुत चूजी है, इसलिए माँ से पूछकर उसके पसंद की डिशेस बनाना, राइट? माँ से पूछे मेरी ज्योति। राधा बेटे। जी माँ जी। विमला बेटे। जी। तुम अपने अपने गहने लाकर मुझे दे दो। वो क्यों? वो मेरे पास सेफ रहेंगे। जी माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। उठो, तुम्हें भी कहा है मैंने। क्यों उठू? मेरे गहने मेरे पास ज्यादा सेफ हैं, और वैसे भी अगर मुझे बार बार कहीं जाना होगा तो मैं बार बार आपसे गहने मांगूंगी। विमला, हर बात पर बहस करना जरूरी होता है? माफ कीजिएगा भाई साहब, औरतों के बीच बोलना जरूरी है क्या? ये लीजिए माची मेरे गहने। एक तो इस आज्ञाकारी बहू ने मेरी नाक में दम कर रखा है,
चल बिमला, अभी तो ला दे गहने, फिर सोचना कि आगे क्या करना है। भैया एक चपाती जरा। हाँ बिमला भाभी, ये खाना लगाना छोड़ो, आओ बैठो और कुछ बातें करते हैं कल रात की। नहीं नहीं, रुक क्यों गए? जब मैं कोई बात राधा के सामने करने से नहीं डरती हूँ तो तुम क्यों घबरा रहे हो? आप लोग खाना खाइए, मैं स्वीट डिश लेके आती हूँ। हाँ तो भाभी, कल रात आपने मेरे यार को अपने प्यार की हथकड़ी में बांध ही लिया होगा। मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी वो What's this, Bimla? तुमने एक भी डिश भूपी के फेवरेट्स में से नहीं बनाई है। हाँ, नहीं बनाई है, मगर मैंने जो कुछ पकाया है वही हलक के नीचे उतारना होगा, पसंद आए या ना आए यही खाना होगा। बिमला प्लीज, खाना ठीक नहीं बनाया ना सही, कम से कम अपने बोलने का लहजा तो ठीक करो। लहजा ठीक करो, हुक्म के अनुसार खाना पकाओ, मैं आपकी बीवी हूँ या दासी? भाभी आप नाराज मत होइए, जो कुछ बनाया मैं खा लूंगा। भूपी प्लीज रुक जाओ। बिमला जाओ जाकर भूपी के लिए ऑमलेट बना कर लाओ। अभी नहीं तो कब? अरे कम से कम थोड़ा खाना तो अपनी पसंद से खाएगा। किशन डोंट इंटरफेयर, भूपी प्लीज डोंट इंटरफेयर। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्या ये ऑर्डर है? Yes, of course. It's an order. मुझे किसी की ऑर्डर सुनने की आदत नहीं है। बिमला तुम्हें शर्म आया नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे मेहमानों के साथ कैसे पेश आना चाहिए तुम्हें नहीं पता? हाँ I'm sorry, I'm sorry. चलो चलते हैं। Sorry, please. देखा? देखा? इसीलिए मैं अनपढ़ जाहिल गवार से शादी नहीं करना चाहता था। कर दिया मेरी जिंदगी को इन लोगों ने। बिमला तू? हाँ मैं। क्यों आई हो यहाँ? कुछ कहने के लिए आई हो तुम्हें? क्या? जो तुमने अभी ड्रामा किया ना नीचे, अच्छा नहीं किया। तो तुम मुझे अच्छे बुरे का फर्क समझाने आई हो? हाँ समझाने आई हूँ तुम्हें। अब भी नहीं सुधरी ना तो इतना बड़ा तूफान आएगा जो तुम्हें नहीं पूरे घर को भाग के लेके जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, खास करके मेरी जिंदगी में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना भी घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तो तुम मुझ पे हुक्म चला रही हो? ठहर जाओ, मैं अभी पापा को बुलाकर लाती हूँ। पापा को क्यों? वही लाएंगे तुम सबके होश ठिकाने। बिमला बिमला, हे भगवान अब क्या होगा? राधा राधा, ये कैसा शोर सुनाई दे रहा है? माँ जी बिमला पापा को लेने के लिए गई है। क्या? वो समझ रही है कि हम लोग उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। माँ जी मैंने बहुत कोशिश की इसको रोकने की, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। क्या छोटी छोटी बातों के लिए पापा को बुला के लाना ठीक है? मैं मानती हूँ माँ जी, मगर वो मेरी सुने तब ना। अब वो न जाने हम लोगों के साथ कैसे पेश आएंगे। माँ क्या बात है? राज बिमला पापा को लेने के लिए गई है। बेटा तू जा उसको वापस ले। हाँ माँ मैं भी जाता हूँ। राज अभी जाने का कोई फायदा नहीं, वो तो घर पहुंच चुकी होगी। पापा। हाँ बेटा बिमला। पापा को मुझे छोड़ देगा। कौन छोड़ देगा? किशन आप चलिए। अरे किसने छोड़ देगा बेटे? आप चलिए। तू इधर बैठ, बैठ आराम से और बता वो ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता है घर वालों की शह पर? लगता है झगड़ा करके आई है। तुम चुप रहो जी, कोई उससे झगड़ेगा तो क्या वो जवाब नहीं देगी? हाँ हाँ चुप रहने से इसकी और आपकी शान जो कम हो जाएगी। अच्छा तुम भी उसी को कोस रही हो, देख नहीं रही कितनी दुखी है बेचारी? आपके इसी लाड प्यार ने इसको बदतमीज बना दिया है। एक बार कहा ना चुप रहो। हाँ बेटी क्या बोला वो? तुम्हें शर्म है नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे मेहमानों के साथ कैसे पेश आना चाहिए तुम्हें नहीं पता? पापा किशन ने अपने दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। क्या कहा उसने? वो कहता है मैं अनपढ़ हूँ। अच्छा ऐसा कहा है उसने? हाँ पापा, पापा वो किसी खूबसूरत लड़की से शादी कर लेगा। अरे ऐसे कैसे कर लेगा? पापा वो मुझे छोड़ देगा। ऐसे कैसे छोड़ देगा, इतना आसान है क्या छोड़ना? बेटा मेरी बात सुन,
पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए। क्या? मना कर दिया उन्होंने आने से? हाँ। शुक्रिया भगवान का, पापा ने जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। कोई बात नहीं बेटे। मेरी प्यारी बहन, जानती है आज कितना खुश हूँ मैं। आज से हम दोनों पर नया जीवन शुरू करेंगे, है ना? इतनी बेइज्जती बिमला कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बस इसी तरह से कुछ दिन आराम से निकल गए। बिमला ने अपने आप को हम लोगों में एडजस्ट भी कर लिया। इसी दौरान मैं माँ बन गई, पर बिमला को कोई बच्चा नहीं हुआ और ना ही बिमला ने कभी अपने बर्ताव से हम लोगों को महसूस होने दिया कि वो अंदर से नाराज है, हताश है। ओ किशन, क्या हाल है तेरा? अरे मैं ठीक हूँ, तू सुना अपनी? मैं भी ठीक हूँ। इतने दिनों के बाद कैसे याद आई? हाँ यार, तेरी याद आ रही थी। तू तो फोन करने से रहा तो मैंने सोचा चलो मैं ही तेरा हालचाल पूछ लूँ। नहीं यार, तेरी याद तो रोज ही आती है, मगर हाँ समझ गया समझ गया। तो उस दिन के वाकये को अभी तक नहीं भूल पाया है ना? चल अब सीधा घर आ जा। अरे नहीं यार, घर नहीं आऊंगा। अरे घबरा मत, तेरी भाभी खुद तुझे बुला रही है। क्या? हाँ, ले खुद ही बात कर ले। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं उस दिन की गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। अरे कोई बात नहीं, आपने मुझे माफ किया ना? अरे जी जी जी। तो फिर एक काम कीजिए, आज का खाना आप हमारे साथ खाइए, मैं आपकी फेवरेट डिशेस बना रही हूँ, मक्के की रोटी और सरसों का साग। जी भाभी। हाँ ओके ओके बाय। ये आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? चाय? अरे किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? लेकिन मैंने तो चाय नहीं मंगवाई। आपने नहीं मंगवाई मगर मैं ले आई। अरे ये क्या है? बबूत। बबूत? ये कहां से उठा लाई तुम? ऐसे नहीं कहते, ये बबूत भगवान के एक सच्चे भक्त ने दी है। मगर क्यों? इसे पी लो फिर बताऊंगी। अरे लेकिन पहले पता तो चले कि क्यों पीना है। इसे पीने से हमारे घर में भी बच्चा होगा। तुम भी कैसी दगियानुसी बातों पर यकीन रखती हो। मायूसी इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है। लेकिन तुम्हें किस बात की मायूसी है? माँ ना बनने की। अरे इसे पीने से माँ बन जाओगी तुम? नहीं नहीं मुझे नहीं पीना। इसका मतलब है तुम नहीं चाहते हो कि मैं कभी माँ बनूं? ना कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं चाहूंगा? ताकि मैं इसी तरह घुट घुट कर जीती रहूं। अरे लेकिन तुम घुट घुट कर क्यों जी रही हो? और नहीं तो क्या, दिन भर घर का काम करो फिर टीवी देखो और फिर तुम्हारे इंतजार में बैठे रहो अकेले, बिल्कुल अकेले। बिमला, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, सबके साथ मिलकर रहोगी तो तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। तुम मर्द हो ना, इसलिए औरत की दिली तमन्नाओं को तुम नहीं समझ पाओगे। देखो बिमला, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि ये बबूत भी भगवान के एक सच्चे भक्त ने दी है, इसलिए पी लो। राधा सारा दिन अपने बच्चे के साथ कितनी खुश रहती है, कितनी व्यस्त रहती है, मुझे भी मेरा बच्चा चाहिए। प्लीज प्लीज पी लो। जानते हैं आप, आज बिमला ने भूपी से माफी मांगी। क्यों? अरे भूल गए आप, उस दिन भूपी जब खाने पे आया था तो बिमला ने कैसी बदतमीजी की थी उसके साथ में, खाना फेंक दिया था उसके ऊपर। अरे हाँ, अब बिमला कितनी बदल गई है ना। सच में बिमला के बदलने से मुझे बहुत खुशी है। और बिमला के बदलने से अब घर का माहौल भी कितना अच्छा हो गया है। हाँ, भगवान करे इस घर से खुशियां हमेशा के लिए रहे। ये तो किशन की आवाज है ना। बहुत दर्द हो रहा है। किशन 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 क्या हुआ भैया?
पेट में बहुत जोरों का दर्द हो। किशन क्या खाया इसने? बबू तो कहीं से ले आई थी और चाय में मिलाकर पी लिया मैंने। बबू